इसकी एक अड़चन है रही। कैसी अड़चन? वह उन्हीं लोगों को नौकरी पर रखते है जिन्हें की भरी पूरी हैप्पी फैमिली होती है। तो बताओ हमें क्या करना होगा? बस आप लोगों को ना नाटक करना पड़ेगा कि आप ना मेरे सगे भैया भाभी हो। हाँ तो कौन बनेगा मलखान की माँ? अपने जिगर को थाम के बैठो। इस लड़के को नौकरी देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। बोले बोले क्या शर्त है? मैं इंदुमती से शादी करना चाहता। मुझे ऐसा लगता है मुझे फकीर चंद से मोहब्बत हो गई है। हम इन दोनों लौंडों को 2-2 लाख देने का ऐलान करते हैं। आप बेशक अम्मा को डोली में लिटा के ले जाइए। क्या आप लोगों ने ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे क्या कर दिया हम लोगों ने यार? अरे आप लोगों ने एक आदमी का एक आदमी से शादी करा दिया। अरे हमने क्या करा दिया भाई, वो तो सक्सेना पगलैट खुद ही उतावला हो रहा था शादी करने के लिए। अरे किसी की शादी किसी से हो, हमसे मतलब? हमारे हाथ में 2 लाख का चेक आ गया बस। Give me 5, forget it. मतलबी लोग। तुम्हें सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है बस। यार दुनिया में हर आदमी को अपना फायदा दिखता है, हमें भी दिख रहा है। Give me 5, forget. लेकिन जब वो अंकल जी को पता चलेगा कि सक्सेना जी मर्द है तो उनका तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे होने दो ना नुकसान उसे, हमें क्या लेना देना। आप लोग खाम खा परेशान हो रहे हैं यार, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं भाई? भाई ये तो अपने अंकल जी की फोटो है यार। अरे जी हाँ, सही पहचाना आप। ये वही फ्रॉड अंकल है जो जवान और चिकने लौंडों को नौकरी का झांसा देकर दुबई लेके जाता है और उन्हें शौकीन शेख को बेच देता है। हाय 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 हाय, अपना मलखान बिक गया सस्ते में। अरे मलखान तो गौरे, अरे कहाँ है गो उसको, वो बुड्ढो अंकल किसी शेख को बेच दे को मलखान को रे, मलखान कहाँ है गो रे, ए मलखान। मुझे तो मलखान और सक्सेना जी दोनों की बहुत टेंशन हो रही है अब। प्रेमवती भैया, मलखान? मलखान? अरे मलखान तुम यहाँ कैसे? मुठी कर। हाँ, अब बोल। भाभी जी, जब वह सेठ जी मोकू गाड़ी में लेके जा रहे थे ना, तो मोकू टीका की बहुत याद आई, तो मैं चलती चलती गाड़ी से कूद गई और यहाँ आ गई। अरे मलखान जी, मेरे भाई टीका कैसे हुआ? टीका सारे अब क्यों रो रो है, मैं आता हूँ पूरा सही सलामत एकदम। आया मलखान, चुप हो जा, हंस। मैं तो तोके बिना रह नहीं सकता यार। हंस पहले हंस। हाँ अच्छा लग रहा है। अबे मलखान अच्छा हुआ टीका की याद तुझे यहाँ खींच लाई, वरना वो अंकल तो तेरे को शेखों को बेच देता। जी का कह रहे भैया तुम? अबे टीवी देख ले यार, बताइए जरा इसको बताइए। ये लोग सही कह रहे बे लौंडे, तुम बाल बाल बच गए। चलो मलखान तुम तो बच गए, लेकिन सक्सेना जी का क्या होगा, मुझे अब उनकी टेंशन हो रही है। Don't worry about him, he'll manage, he'll handle. जब तक इस शहर में रेशम पाल मौजूद है, इस शहर के लौंडों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। I like it. हमने उस फ्रॉड को पकड़कर जेल में डाल दिया है और सक्सेना जी को उसके पंजे से छुड़ा लिया है, जनहित में जारी। I like it. I don't like it. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो चेक है वो भी फ्रॉड है। Now I like it. गर्मा गर्म चाय। लड्डू के भैया,
अमन मोहन तिवारी जी। ये क्या कर रही हो पगली? हाथ जलाओगी हमारा? अरे गुस्सा काहे कर रहे हैं? और हम तो ये देख रहे थे कि चाय ठंडा तो ना ही हो गया, लेकिन ये तो एकदम गर्मा गर्म है, पीजिए ना। क्या हुआ, कहाँ लस्ट हो गए हैं? वो लस्ट नहीं, लॉस्ट होता है पगली। हंसे पकड़े हैं? कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लड्डू के भैया कि आप बहुत ही परेशान हैं। कब बात का है? अब क्या बताएं पगली, तुम तो जानती हो हमारा कच्चा बनियान का धंधा का जो मंदा चल रहा है, लगता है लोगों ने कच्चा बनना बंद कर दिया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भरभूति जी तो कच्चा पहनते हैं। तुमने कब देख लिया? हम तो रोज देखते हैं उनको कच्चा सुखाते हुए। हमने तो कभी नहीं देखा। तो हमको क्या पता कि आपको भी उनका कच्चा देखना है। एक तो काम करेंगे, वो जब कल सुबह आएंगे ना सुखाने के लिए, तो हम आपको बुला लेंगे। हमको कच्चा देखने का तो शौक नहीं है, समझी? फिलहाल तो हमें ये देखना है कि हमारे कच्चे बनियान का धंधा कैसे चलेगा। हाँ लड्डू के भैया, हमारे पास ना एक आइडिया है। वो आइडिया होता है पगली। हंसे पकड़े हैं? हम कहाँ बोल रहे हैं, आप अपने कच्चे बनियान का विज्ञापन ना किसी बड़े स्टार से करवा लीजिए, फिर देखिए कैसे धड़ल्ले से बिकता है कच्चा बनियान। तुमको पता है बड़े स्टार कितना पैसा लेते हैं? इतना पैसा लेते हैं कि हमारा खुद का कच्चा उतर जाएगा। खैर छोड़ो, जाके जो नाश्ता तैयार करो यार, हमें शॉप पे जाना है। हम कहा बोल रहे थे लड्डू के भैया कि आप खुद ही अपना फोटो खिंचवा कर कच्चा बनियान में बाहर काहे ना ही लगवा देते। चलो यार, यहाँ लेट हो रहा है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। वाह भाभी जी वाह, क्या गाती हैं, वाह। ओह क्या आवाज है आपकी, आपके गले में साक्षात सरस्वती हैं। हाँ दिया, लेकिन डॉक्टर तो बोल रहा था कि हमारे गले में पेंसिल है। God, somebody, please kill me. भाभी जी, it's not pencil, it's tonsils. हंसे पकड़े हैं? डॉक्टर से काम बीमारियां निकालना है। कोई हमारी नजर से देखे भाभी जी, तब मालूम पड़ेगा कि हुस्न क्या होता है, खूबसूरती क्या होती है। खैर छोड़िए इन सब बातों को। भाभी जी एक मुखड़ा सुना दीजिए इसी बात पे। क्या बोले? भाभी जी एक चार लाइन सुना दीजिए, गा के मजा आ जाएगा। आप तो कमाल गाती हैं। हमको शर्म आता है और हमको प्यार आता है। क्या बोले? कोई प्यारा सा नगमा सुना दीजिए, कोई रोमांटिक सॉन्ग सुना दीजिए। भाभी जी आप तो कमाल गाती हैं, प्लीज सुनाइए ना, कमाल कर रही हैं आप तो। हर नहीं नहीं, आप तो हमारा ऐसे ही तारीफ कर रहे हैं। हम तो का बोलते हैं, वो बेडरूम सिंगर हैं। Somebody please kill me again. For God's sake, it's not bedroom singer, भाभी जी, it's bathroom singer. हंसे पकड़े हैं? भाभी जी फिर महफिल जमाएंगे? हम जूते जमाएंगे। अंगूरी कल से कोने में हम अपने जूते जमाएंगे, तुम जरा ध्यान रखना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक बा। अगर कबाब में हड्डी क्या पका आपने? मैंने कहा आइए जनाब, कैसे हैं हुजूर? हम अच्छे। क्या कहा, कच्चे? ऊंचा सुनने लगे हैं क्या? नहीं, मैंने कहा धंधा करते कच्चों का तो मुंह से निकल जाता है हर आदमी के। ऐसे कैसे निकल जाता है? निकल जाता है। खैर एनीवे, इस वक्त आप बहुत तपे हुए हैं। अच्छा भाभी जी, अच्छा तो हम चलते हैं, अब फिर कब मिलेंगे? जाइए ना, आप नाश्ता करके जाएंगे क्या? तपे हुए हैं। हम तो गाना गा रहे थे। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं
शान सर, आपकी शानदार सलवार। I like it। भाई वहाँ देखिए किसके लाया हूँ। सर आइए सर। जी 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 जी। कौन है देखिए? हेलो भाभी जी, कैसे हैं आप? हेलो, हादिया। हादिया तो सांजी है, सांजी। आज तक तो हम इनको टीवी पर देखे थे। ये तो हमरे सामने खड़े हैं साक्षात। आप बहुत ही हैंडपंप हैं। हैंडपंप? हैंडपंप नहीं, हैंडसम। हंसी पकड़े हैं। वैसे भाभी जी, आपके चर्चे तो पूरे इंडिया में चल रही है। जी, आप यकीन मानिए। थैंक यू। अच्छा सांजी, हमको एक बात बताइए, आप यहाँ कानपुर में गंगा नहाने आए हैं का? आई लाइक इट। अरे नहीं, आप तो पता है कि हमारा वॉइस इंडिया चल रहा है, बहुत जल्द आने वाला है, उसमें ब्लाइंड ऑडिशंस होती हैं। ब्लाइंड ऑडिशंस में हम क्या है कि सिंगर को देख नहीं सकते लेकिन कान लगाकर सुन जरूर सकते हैं, तो इसलिए कानपुर आ गए। हाँ, इका मतलब आप हमारे कानपुर में टॉयलेट ढूंढेंगे? टॉयलेट नहीं, टैलेंट, टैलेंट, टैलेंट। सही पकड़े हैं। पकड़े हैं, जी जी जी। बस टैलेंट ढूंढते ढूंढते हम कानपुर आ गए हैं। और आप तो जानते हैं कि हमारे साथ हमारे जो कोचेज हैं, मेरे साथ है नीति मोहन, सलीम मर्चेंट, बेनी दयाल, और हम सब इन टैलेंट्स को और कोच करेंगे और बेहतर बनाएंगे। फिलहाल टैलेंट मिल तो जाए। हाँ सांजी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको बहुत अच्छे गायक मिले। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू सो मच। हमारे मोहल्ले में शान यहाँ के शान बढ़ा दी मोहल्ले की, बाय द वे मायसेल्फ विभूति नारायण मिश्रा। ऑफ कोर्स विभूति नारायण मिश्रा उर्फ नल्ले। आई लाइक इट। नल्ले का जिक्र इन्होंने किया होगा आपसे। आई लाइक इट। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिस्टर नल्ले के चर्चे तो इंडिया के हर मोहल्ले में है। फालतू के लोगों से बात मत किया कीजिए, ये आपकी शान के खिलाफ है। मैं फालतू लगता हूँ आपको? हाँ मैं फालतू लगता हूँ, क्या पका भी आपने? भाभी जी को छोड़ के आपका पूरा का पूरा खानदान घटिया छिछोरों का, कमीनों का है। अरे आपका पूरा खानदान फालतू है। अरे अरे, आप दोनों क्यों इतना झगड़ रहे हैं? आप दोनों ही फालतू, मतलब दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और भाभी जी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। अरे भाभी जी से याद है, अनीता भाभी कहाँ है? उनकी ग्रूमिंग क्लासेस में तो अच्छे अच्छे सिंगर्स होंगे ना? यू आर सो राइट शान, वेलकम वेलकम। अरे वॉइस इंडिया का मंच ही ऐसा है जिसमें हर सिंगर जाना चाहता है। एंड एक्चुअली मेरी ग्रूमिंग क्लासेस के बहुत सारे बच्चे वॉइस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। भाभी जी, मैंने जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा गोरी और खूबसूरत हैं आप। वाओ, आपके घर में ट्यूबलाइट की तो जरूरत ही नहीं होती। हाँ जरूरत तो नहीं पड़ती ट्यूबलाइट की, लेकिन बिजली का बिल 2500 रुपए आता हर महीने। अभी क्या जरूरत है ये बोलने की? अभी क्या जरूरत थी बोलने की? बस अ कॉम्प्लीमेंट ना। हाँ तो तुमने ले लिया ना कॉम्प्लीमेंट ट्यूबलाइट का यार, लेकिन बिजली का बिल आता 2500 रुपए का। आई कांट हेल्प इट यार, दिस इज वेरी फनी। बात बात पे झगड़ पड़ते हैं। आप दोनों की जुगलबंदी कैसी चल रही है वैसे? हमारी जुगलबंदी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। एक्चुअली विभू को ना मैंने घर के कामों में बिल्कुल दक्ष कर दिया, ही इज वेल ट्रेनड। कम से कम शान के सामने तो अपने पति की शान रख लो यार। अरे नले जी रिलैक्स, कोई बात नहीं, मैं भी शादीशुदा हूँ। आई अंडरस्टैंड। आर वी सेलिंग इन द सेम बोट? सेम बोट। रियली? यू आल्सो हैव अ होल इन योर बोट? बिल्कुल, एंड आई एम नॉट वरीड, आई एम नॉट प्लगिंग इट आल्सो। माइन इज बिगर वन। असान जी। हाँ जी। हम क्या बोल रहे हैं, आप हमारा ऑडिशन ले लीजिए ना। वैसे तो ब्लाइंड ऑडिशंस होती हैं लेकिन आपसे नजरें कैसे हटेंगी? आप गाइए, हम सुनते हैं। साड़ी के फाल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, टच करके वच करके वच करके कहाँ चल दी, टच करके वच करके टच करके। भाभी जी वाह, क्या गाया आपने, क्या गाया, गाने पर टूट पड़ी हैं आप। आपके गले में कोयल बैठी है, कोयल ऊ ऊ। Actually, yes, Shan, I would like to flash myself on your flash show. Flash yourself? Matlab, my talent. Maybe I'm also a born singer, aur maine bhi apna riyaz kafi mehnat se mushakkat se kiya hai, and I'm also a very... Flash your talent, huh? Why yeah. not, why not? And Shan, because I'm his better half, main inka gana better kar dungi. Will singer do it? I'm sure, unse to better hi gaengi aap. There's... Do it nahi rahega, wo solo ho jayega. Anyway. सॉरी, आप बुरा मान गए,
आप ही गाइए ना कुछ सुनाइए ना. Are you sure? Of course, of course, of course. Are you prepared? We men should also get a chance here. Actually, my singing is a little different, you know, not the usual one. Oh, I'm very interested. हो जाए. मधुबन में राधिका नाच रे सोने की पायलिया बाजे. भाभी जी, आप गाइए. He was fantastic. Very different. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, वो मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम. मजा आना शुरू हुआ था कि अब तिवारी जी, अब सब गा चुके हैं, आप भी थोड़ा सा कुछ सुनाइए ना. जी, ये गाना हमारी मोहब्बत के लिए है, जिसने हमेशा हमें अपनी आंख से आंसू समझ के गिरा दिया है और मुंह पे थूक देती है. ये क्या बकवास. फालतू बात, आप बुरा मत मानिए, आप गाइए, आप गाइए. आंसू समझ के क्यों मुझे आंख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया. आ, 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 आ. कौन बोला बे गधा. ये वही गधा तो नहीं है जिन्हें इनको काटा था कुछ दिन पहले? जी, कुछ ज्यादा जोर से काटा था. हाँ, असर अब तक है ऐसा लग रहा है. बहुत मजा आया तिवारी जी, क्या बात है, क्या दर्द है आपकी आवाज में. आपको भी नहीं काटा था वही गधे ने? जी नहीं. अच्छा, चलिए, बच गए. इन्होंने गधे को काट लिया था. सक्सेना जी, आप भी दिल की मुराद पूरी करेंगे? नहीं सर, मैं ना मुराद हूँ. देखिए, आप तो जानते हैं मैं कभी झूठी तारीफ करता नहीं हूँ, लेकिन आप सबकी आवाजों को सुनकर रहा नहीं जा रहा है. फैंटास्टिक, सो ओरिजिनल, सो डिफरेंट. आप कैसे कर लेते हैं ऐसा? अब ऐसे गा लेते हैं हम लोग क्या कि ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं. एक्चुअली नेचुरल टैलेंट है, इट्स अ बॉर्न टैलेंट. इनमें नेचुरल है, मेरे में अननेचुरल, बट टैलेंट दोनों में है. हां, हम भी पौधों में पानी डालते डालते गा लेते हैं. हो, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी सिंगिंग तो नेचुरल और गॉड गिफ्टेड ही हो सकती है, इसमें आप कुछ अपनी योगदान तो नहीं डाल सकते. इट इज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. अगर ऐसी बात है शान, तो आपको हम सब के लिए अभी यहाँ गाना होगा. यानी अब हम ऑडिशन दें? हाँ, एक गाना मुझे सूझ रहा है जो गाने का गाना भी है और सबक का सबक भी, क्योंकि आप दोनों जिस दिशा पर चले हैं ना इतने सालों से, कहीं ना कहीं शायद मुझे लग रहा है एक गाना आपके काम आ सकता है. जी जी जी, गई. दिल धड़क है ये मोहब्बत, उड़ता चार बेहिसाब तू, तेरा प्यार है सवाल तो उसका दे दे खुद जवाब तू, लेकिन किंतु परंतु बंधु, लेकिन किंतु परंतु बंधु, सामने वो आती है दिल में धड़कन, मुंह से जबान और सांसें रुक जाती है. Do you want a partner? Oh partner, do you want a partner? Love me say. Wow. I like it. Thank you, sir. Relax, relax, Sakhina ji. आपको रिक्शा भी चलाना है ना अभी, तो चले अब. शान बाबू, जाने से पहले हमारे लिए एक रोमांटिक गाना तो गा जाइए. ओहो, इस रोमांटिक अंदाज में अगर कोई सिफारिश करे तो क्यों नहीं, क्यों नहीं. तो चलिए. बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे. हे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे. हम आपको ऐसे ना ही जाने देंगे, कछु खा कर पी कर जाइए. अब क्या है, और भी आवाजें ढूंढनी है, खोजनी है, और सक्सेना जी ने के साथ और पागलपन भी करना है.
लेकिन आप सब हमें मिल सकते हैं क्योंकि हम आ रहे हैं द वॉइस इंडिया सीजन 2 के साथ 10th दिसंबर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ और सिर्फ एन टीवी पर. ऑफ कोर्स देखेंगे, जरूर देखेंगे. वंडरफुल, तो फिर इजाजत. तुम तो ठहरे परदेसी, साथ का निभाओगे सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे. हमरे हाथों में नाना चूड़िया है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरिया है. असीला सीला की जवानी, सीला की जवानी होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई. अरे 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 एक मिनट, एक मिनट, ये क्या MP3 चला रखा है पगली? गाने पे गाने दागे चली जा रही हो. भैया हम वॉइस ऑफ इंडिया में भाग लेने जा रहे हैं. ओहो, ऐसा है पगली? देखो तुम खाना बनाती अच्छी लगती हो, ये गाने वाने के चक्कर में काय पड़ रही हो? नहीं नहीं, हमको सान जी बोले हैं कि अंगूरी तुम्हारी आवाज में ना बहुत ही पोटेशियम है. पोटेशियम? तो वो पोटेंशियल होता है पगली. हंसे पकड़े हैं. ऐसा है कि इस जन्म में तो तुम कम से कम गाना नहीं गा सकती, समझे? अरे बैल, काहे हमरी बहुरिया पे चिल्ला रहा तू है? अम्मा जी देखिए ना, हम वॉइस ऑफ इंडिया में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन ये लड्डू के भैया बोल रहे हैं कि हम ई जन्म में गाना ना ही गा सकते. अच्छा, उतनी बेलन दो बिटिया हमका. हाँ ला ला. काहे काहे हमरी बहुरिया का मनोबल गिरा रहा है? कितना मीठा गाती है हमरी बहुरिया. कसम खा के कह रही हूँ अम्मा जी, सच्ची कह रही हूँ. भाभी जी की आवाज जब हमारे कानों में पड़े है ना, तो ऐसा लगे जैसे जैसे किसी ने हमारे कानों में शहद घोल दिया हो. एक ये आ गया आग में मिट्टी का तेल डालने. टिल्लू, हम क्या कहते हैं कि बहुरिया को ले करके वो वॉइस ऑफ इंडिया में जाते हैं. अम्मा जी अब वॉइस ऑफ इंडिया. हाँ वॉइस. अरे अब वॉइस होता है. सही पकड़े हैं. हाँ हाँ अम्मा जी चलो. लड़के भैया को देखा तो ऐसा लगा जैसे मुरझाया हुआ गुलाब. चलो अम्मा आज ये अंगूरी की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी. बड़ी अपने आप को श्रेया घोषाल समझ रही है. इसके मंच पे गाते सारे जज भाग लेंगे भाई साहब इंडिया के.